इस वीडियो के तीन मेन टॉपिक हैं, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में सेकंड ईयर पार्क स्टडी के मोस्ट इंपोर्टेंट गेस्ट पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जो काफ़ी मरतबा बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुके हैं, मैंने उनको हाईलाइट किया है। और जितने भी यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताऊँगा, MCQs बताऊँगा, ये तमाम के तमाम MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोगों के 100% मार्क्स आ जाएंगे। तो आइए इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तहरीक खिलाफत पर नोट लिखिए, नज़रिया पाकिस्तान के अजजाए तरकीबी लिखिए। और ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आ चुका है। कायदे आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत आप लोगों ने करनी है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर कहा जा रहा है पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात बयान करें, मतालबा पाकिस्तान के मुहर्रकात आप लोगों ने बयान करने हैं, कदीम वादी सिंध की तहजीब की खसूसियत आप लोगों ने बयान करनी है। इसमें ये जो मैंने येलो किए हुए हैं, बैकग्राउंड येलो लगाया हुआ है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पे हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि ये लॉन्ग के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें, तो ये आजकल का हॉट टॉपिक है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का जायज़ा लें। आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से ये टॉपिक ज़ेर गर्दिश है, तो इस क्वेश्चन के आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, 1973 के ऐन की इस्लामी दफ़ात आप लोगों ने बयान करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद अहमद ख़ान की तलीमी खिदमात पर रोशनी डालें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने हर हाल में करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें, आजकल पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात भी थोड़े से ख़राब हुए हैं, तो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का इर्तकाई जायज़ा लेना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा और आजकल का ये हॉट टॉपिक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुआशी मनसूबा बंदी, आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान की माशियत में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रही हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये भी आजकल का हॉट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की दरामदात और बरामदात पर आप लोगों ने नोट तहरीर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की तरक्की की राह में हाल जो रिकावटें हैं वो आप लोगों ने बयान करनी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल का हॉट टॉपिक है, वफाकी इंतज़ामिया के ढांचे की वजाहत आप लोगों ने करनी है, पाकिस्तान का महल्ले वकू की अहमियत आप लोगों ने बयान करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें, तो कहा जा रहा है पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के लिए की गई कोशिशों का आप लोगों ने जिक्र करना है, अच्छे निज़ाम हुकूमत की 10 आप लोगों ने खसूसियात बयान करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी सकाफत की नमाया खसूसियात आप लोगों ने बयान करनी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें, तो इसमें कहा जा रहा है कौमी यकजहती और सालमियत की अहमियत आप लोगों ने बयान करनी है। इसके बाद लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, पाकिस्तान में ज़रई शोबे की अहमियत और अफादियत बयान करें, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। तो आइए मैं अब आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs शेयर करता हूँ। तो MCQs आप लोगों ने कैसे करने हैं, यहाँ पे आप लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं। पहले आप गूगल पे जाके मेरी वेबसाइट www.sirazamali.com का विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF की फॉर्म में जितने भी गेस्ट पेपर मिल जाएंगे, ये देखें दूसरे नंबर पे आपको वेबसाइट नज़र आ रही है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेकंड ईयर के गेस्ट पेपर्स पे आप लोगों ने ये जो नोट्स लिखे हुए हैं इस पर क्लिक करना है, तो आप लोगों को ये गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। सेकेंडली आप यूट्यूब में आके सर्च बार में लिख सकते हैं सेकेंड ईयर पार्क स्टडी MCQs गेस्ट पेपर बाय सर आज़म अली, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। जैसे ही आप लिखेंगे तो फर्स्ट वाली वीडियो आप लोगों ने देखनी है। ये MCQs अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग के 10/10 मार्क्स के MCQs इसी में से आएंगे, और अगर आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो सेकंड नंबर पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, इस पर क्लिक करके आप शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। तो ये MCQs और ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मज़ीद गेस्ट पेपर के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकती हैं, या आप हमारी वेबसाइट www.sirazamali.com का विज़िट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
या आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे और आपके माँ बाप का साया हमेशा आप पर रहे। आमीन सुमा आमीन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।